नमस्कार मित्रों, मकर राशि के लिए राहु केतु का परिवर्तन कैसा होगा? देखिए, राहु भगवान तृतीय भाव पर आ रहे हैं। तृतीय भाव पर आने से मनुष्य को राक्षस के जितना बल मिलता है, तो आपको धैर्य होगा, बल मिलेगा, आपके ऊपर आए हुए कष्ट कम होंगे। नवम भाव पर केतु है, आपको बहुत यात्राएं कराएगा, इतनी यात्रा कराएगा कि कभी कभी तो आपको लगेगा कि मुझे यात्रा नहीं करनी है, मैं थक गया बस। लेकिन यह आपको धन देगा, क्यों कि राशि भर से दूसरे भाव पर शनि भगवान भी उतर रहे हैं, तो यह भी आपको फायदा देंगे। लेकिन अगर आप राजनेता हैं, तो यह आपके लिए मान सम्मान का समय है। थोड़ा पांव में दर्द होगा, शनि उतर रहा है, आपके पांव में थोड़ा दर्द होगा। राहु धैर्य देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, और कुछ आपके धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों से आपकी मित्रता होगी। वह आपके विरोध में बोलेंगे, लेकिन वह आपसे हार जाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, देश विदेश का व्यापार करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभ का समय है। आपकी ट्रैवल से आपके नाम को और नाम मिलेगा कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनका माल अच्छा है, ये हमें खरीदना है। और रही बात कि अगर आप माताएं बहनें हैं, काम पे जाती हैं, तो यह समय आपके लिए अति उत्तम होगा। आपका पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके लिए इस समय पर धन योग बन रहा है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है और आप आपके घर में भी काम करती हैं, तो आपके पांव में थोड़ा थोड़ा दर्द होगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह समय अति उत्तम है, अति उत्तम है। यहाँ पर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपको सुख शांति मिलेगी, आपके विद्या भाव में वृद्धि होगी। क्या किया जाए जिससे हमारे परिवार में पीड़ा नहीं हो, हमें यह पाव का दर्द ना हो, तो देखिए, एक नारियल लीजिए, सूखा नारियल, उस पर कलावा बांधिए और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में या बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। इससे आपके घर में आपके ऊपर आई हुई स्वास्थ्य रिलेटेड पीड़ा परेशानी कम हो जाएगी, आपके घर में धन का प्रवेश होगा। और रही बात कि जब भी राहु तृतीय भाव पर हो, तो कोशिश कीजिए सूर्य अस्त के बाद घर में कपड़े न धोए जाए। अगर आप ऐसा उपाय कर लेते हैं, तो आपके घर में सुख शांति होगी, पीड़ा कम होगी, आप धन और वैभव के साथ सुख शांति से जिएंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।